64% है। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेयर ट्रिमर के बारे में, बियर्ड ट्रिमर के बारे में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाली है, लेकिन वीडियो को पूरा देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मैंने इसी कंपनी का ट्रिमर क्यों मंगाया और क्या इसकी खास बातें हैं, सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिमर दिखा देता हूँ मैंने कौन सा ट्रिमर मंगाया हुआ है। और अभी आपको मैं बता दूँ, हाल ही में मैंने अपना बियर्ड जो है उसी से ट्रिम किया है, उसका सबसे लास्ट साइज होता है उसे मैंने यूज़ किया है और बिल्कुल अपने बियर्ड को ट्रिम कर दिया है। अभी तकरीबन 2-3 दिन हुए हैं ट्रिम किए हुए, थोड़ी अभी बियर्ड ग्रो भी हो चुकी है, क्या इससे आप हेयर भी कट कर सकते हो। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो मेरे पास एक केमी का ट्रिमर है 809A, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ट्रिमर है और मैंने इसे ही क्यों बाय किया। देखिए काफ़ी सारे सैलून में आप जाते रहोगे तो वहाँ पर अक्सर इसी ट्रिमर को आप सैलून में अक्सर देखते रहोगे, तो मैंने इसीलिए खासकर इसे मंगाया है, किसी से मैंने इसके बारे में अच्छे से जानकारी लिया उसके बाद ही मैंने ये ट्रिमर मंगाया। तो आप इसमें मैं आपको खास बातें बता देता हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोस्ट पावरफुल मोटर यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसे एक बार चार्ज करते हो तकरीबन 240 मिनट तक इसे आप यूज कर सकते हो, इसकी खास बात यही है। और सबसे ज़्यादा खास बात इसकी है कि जहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है वहाँ पर आपको बैटरी शो करती रहती है कि कितने परसेंट बैटरी बची। अक्सर आप ट्रिमर मंगाते रहोगे तो आप ट्रिमर का यूज़ तो कर लेते हो लेकिन वहाँ पर आपको बैटरी के बारे में नहीं पता चलता कि हमारी बैटरी ट्रिमर के अंदर कितनी है कितनी नहीं। तो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मैं बता सकूँ। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट पैकिंग के साथ ही आया है ट्रिमर, तो आप यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका डब्बा आता है, तो आप इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसे पढ़ सकते हो इसे कैसे यूज करना है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो आप ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पैकेजिंग अच्छी की गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा ट्रिमर है, इसे हम साइड में रख देते हैं। तो साथ में ट्रिमर को चार्ज करने के लिए एडेप्टर भी आता है साथ में, और ये है क्लीपर जो आप 1 नंबर 2 नंबर लगा के आप अपने हेयर को कट कर सकते हो, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो कितने क्लीपर आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो सबसे पहले ये हमारा ट्रिमर है और 4 साइज के अलग अलग क्लीपर दिए गए हैं, और सबसे छोटा है इसे आप ये लगाकर 1 नंबर कट कर सकते हो, उसके बाद ये बड़ा वाला लगाकर आप कट कर सकते हो। तो ये सारे क्लीपर हैं, तो इसका यूज़ कैसे करना है आगे चल के मैं वीडियो में कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये चार्जर अडेप्टर तो आपने देख ही लिया, और साथ में आप जब मशीन को जब आप ट्रिमर का यूज कर लेते हो तो ये ब्रश छोटा सा दिया गया है, तो इसे भी आप यूज कर सकते हो और उसमें बाद में आप ऑयलिंग करके रख सकते हो। तो आप ट्रिमर कैसा है वो आपको दिखा देता हूँ। आपको बता दूँ मैंने ऑलरेडी इसे यूज कर चुका हूँ, जब ये मेरे पास आया था तो इसमें 95% बैटरी चार्ज थी। अभी जो है मैंने इसे तकरीबन 4 बार यूज किया है, तो इसको आपको सेफ्टी के साथ रखा था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, आप लोगों के साथ में शेयर करना था ये सारी चीज़ें। तो आप इसे अब मैं हटा देता हूँ, तो आप ये देख सकते हो, तो आप इससे भी ऊपर नीचे कर सकते हो ये। तो आप इसको जितना नीचे की साइड ले जाते हो उतना आपका छोटे छोटे बाल छोड़ते जाता है, अगर आप इसे बिल्कुल ऊपर की ओर कर देते हो तो बिल्कुल बारीक, अगर आप अपने बियर्ड को ट्रिम कर रहे हो 0 साइज की ट्रिमिंग करता है, तो आप ये देख सकते हो ये ऊपर नीचे करने के लिए। तो अभी इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ 4 से 5 बार यूज करने के बाद इसमें कितनी बैटरी बची हुई है, तो आप देख सकते हो 64% है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे बाय कर सकते हो। देख सकते हो ये प्लास्टिक का ये बॉडी दिया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत है, आप अगर इसे हाथ में लोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि नहीं काफ़ी ज़्यादा मजबूत इसे बनाया गया है। इससे आप अपने बियर्ड को भी ट्रिम कर सकते हो, साथ ही साथ अपना हेयर कट भी कर सकते हो। तो मैंने जब से इसे आया तब से आपको मैं बता दूं अभी तक इसे मैंने चार्ज नहीं किया है, और उसी पे मैंने तकरीबन इसे 4 से 5 बार यूज भी कर लिया है, लेकिन अभी तक इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका आप साउंड सुनोगे तो बहुत ही बारीकी के साथ इसका साउंड आता है, तो आप ये देख सकते हो इसमें जो क्लीपर दिया जाता है उसे आप लगा के एक नंबर लगा के आप अपने बालों को ट्रिम कर सकते हो। तो तकरीबन आज 15-20 दिन हो गए मुझे यूज करते हुए, तो जब तक मैं देखिए किसी भी चीज़ को अच्छे से यूज नहीं कर लेता तब तक आप लोगों के सामने वो चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। तो इसको मैंने यूज किया और काफ़ी ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा इसकी जो खास बातें हैं कि ये बिल्कुल आपका मतलब आप इसे जब यूज करोगे ना, तो अगर आप अपने बियर्ड को ट्रिम करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बारीक तरीके से करता है, ऐसा लगेगा आपको कि अभी अभी आपने शेविंग कराई हुई है। और दूसरी जो इसकी खास बात है, यहाँ पर जो बैटरी परसेंटेज दिखाता है वो सबसे अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड आगे चल के आप लोगों को इस ट्रिमर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी और भी मैं देने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।